बढ़ती महंगाई को लेकर अब कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। गरीब लोगों के लिए दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। बेरोजगारी की वजह से प्रदेश में लगातार क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज फरीदाबाद के सराय ख्वाजा की मार्केट में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। आज का ये मामला है कि सरकार ने, मौजूदा भाजपा सरकार ने जब सत्ता में आई थी, ये वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों को, लेकिन ये 4 करोड़ नौकरी हमारे बेरोजगारों और हमारे नौजवानों की खा गई। इसके लिए आज समूचे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा के अंदर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं अर्धनग्न होकर, जिससे हम ये इस भूमि बहरी सरकार को जगाने का काम करना चाहते हैं कि आज नौजवान बेरोजगार है और नौजवान आज अपराध के रास्ते पे चल चुका है, उसको नौकरी चाहिए। हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। दूसरा, हम महंगाई के ऊपर, जिस महंगाई को ये भाजपा सरकार डायन कहती थी 2014 में, आज ये महंगाई इनके लिए डार्लिंग बन गई है। हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने सरसों का तेल 225 रुपये किलो हो गया, आज महंगाई सिलेंडर 850 रुपये हो गया। 415 रुपये जब सिलेंडर था तो भाजपा के नेता अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया करते, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को किसी भी तरीके से इनके कोई लगाम लगाने का काम नहीं कर रहे। निरंतर ये महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का नौजवान साथी आज अर्धनग्न होकर सड़कों पर है और पूरे बाजारों में, क्या पूरे समूचे हरियाणा में अर्धनग्न होकर हम ये प्रदर्शन करना चाहते हैं और केंद्र की और राज्य की सरकार की बंद आंखों को खोलना चाहते हैं कि जो कम से कम ये देख सके कि आज देश का युवा बेरोजगार हो चुका है। आज हमारे पढ़े लिखे बीटेक इंजीनियर जो डिग्री लेके बैठे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट हैं, जो बीबीए और एमबीए करके धक्के खा रहे हैं, उनके लिए नौकरी और रोजगार हमें चाहिए और हम लेके रहेंगे। वहीं कैथल में भी आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पहले जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए पिहोवा चौक पर पहुंचे और अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार देना तो दूर, यहां भाजपा ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ऐसा है सर, हमारी पार्टी ने देखा, अभी हरियाणा के अंदर बेरोजगार की दर है, पूरे देश के अंदर 36% बेरोजगारी की दर हो चुकी है, जो कि देश के अंदर, मतलब पहला राज्य है हरियाणा जिसके अंदर बेरोजगारी की इतनी दर है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा की 90 के 90 विधानसभाओं में अब ये बेरोजगारी के ऊपर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में आज हम कैथल जिले के विधानसभा में हमारे साथी ये युवा विंग के महेंद्र राणा जी के अध्यक्षता में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि देखो, आश्वासन और वादों की सरकार है, इसने इतने आश्वासन और वादे करे हैं कि इससे पूरा लोगों ने इनके बहकावे में आकर वोट तो दे दिया, लेकिन अब रोजगार के नाम पर सारे साथी आज बीए, एमए, बीटेक, एमटेक बड़े लड़के हैं जो आज इसकी फोर्थ क्लास की नौकरी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसलिए हमने ये आज युवाओं ने बीड़ा उठाया है कि ये तो हमको रोजगार दो, नहीं तो आने वाले समय में ये आम आदमी पार्टी इनका, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। आज का जो है मुख्य प्रदर्शन हो रहा है, युवाओं के अंदर रोष है बीजेपी सरकार को लेकर, क्योंकि आज के समय में युवा जो रोजगार है वो बीजेपी सरकार ने सबका छीन लिया है, और आज जो हमारे युवा साथी हैं वो सड़कों पर इसलिए उतरे हैं ताकि वो अपनी डिग्रियां उनको दिखा सकें। लोग बीए कर रहे हुए बैठे हैं, एमए किए बैठे हैं, डिग्री होल्डर लोग, पीएचडी, और उनमें से मैं भी एक हूं जिसने एमए इंग्लिश और डिप्लोमा कंप्यूटर शास्त्री की हुई है, लेकिन हम लोग रोजगार के नाम पर बिल्कुल कंगाल करके बिठा दिया सरकार ने। इसी प्रकार हमारे साथी जितने भी हरियाणा के अंदर युवा साथी हैं वो सारे आज बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाड़े मरबूज हो चुके हैं। पहले तो कहते थे कि चलो पकौड़े तल लेंगे, लेकिन आज तो तेल भी इतना महंगा कर दिया सरकार ने कि पकौड़े
भी बहुत महंगे हो चुके हैं, पकौड़े भी पानी में तलने का काम हो रहा है, इसीलिए सरकार के विरोध प्रदर्शन के अंदर आज यह विरोध हम कर रहे हैं। आज हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले जो ये वादा किया था और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, मगर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की कहाँ, ये तो 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, इसीलिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है युवा। इसी के चलते हम युवा इकट्ठे हुए हैं बीजेपी सरकार को यह चेतावनी देने के लिए, या तो युवाओं को रोजगार दो, अन्यथा ऐसे ही आपकी रोज प्रदर्शन करेंगे और जब तक आपकी सरकार सत्ता में रहेगी हम युवा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। महंगाई के खिलाफ देश में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कांग्रेस, फिर किसान और अब आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए गए और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी लगातार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करती रहेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रुख भी किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरदाबाद से सुधीर शर्मा और कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।